हनी भाई आपसे मैं पूछूंगा कि एक आर्टिस्ट की लाइफ ना हम बात प्राइवेट में बनाते हैं है ना, उसके बाद पब्लिक में देते हैं, उसका एक अपना प्रोसेस है ना। तो कुछ अपनी जो है निजी जिंदगी में पर्सनल लाइफ स्पेस में अलाउ करने का फैसला आपने कैसे लिया, व्हाट मेड यू टेक द डिसीजन एंड व्हाट डिड यू वांट टू से विद दिस डॉक्यूमेंट्री। सबसे पहले तो ये कि तकरीबन 12-13 साल से जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरह का भी मैं काम कर रहा हूँ, लोगों ने एक मेरे बारे में उस तरह का एक पर्सपेक्शन बनाया, लेकिन बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई मेरे खिलाफ, बहुत सारे मेरे पुतले जलाए गए, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे चाहिए था एक कैमरा, एक माइक अपनी साइड कहने को। और फाइनली मुझे आज भी याद है, तकरीबन 3-3.5 साल पहले मुझे नेटफ्लिक्स ने कहा कि हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं आपके ऊपर और गुनीत उसको बनाना चाहती हैं। तो मैंने कहा नथिंग लाइक दैट, गुनीत को मैं तकरीबन 12-13 साल से जानता हूँ और उनका काम बहुत पसंद है मुझे, इनका पैशन बहुत पसंद है मुझे। फिर मेरी एक वीडियो कॉल हुई मोजे सिंह के साथ, हमारे डायरेक्टर साहब के साथ, तो वो एक छोटी सी वीडियो कॉल में इन्होंने बात करी थी फेथ की, आपको याद है? हाँ, आप अपनी फिल्म शूट कर रहे थे, तो उन्होंने फेथ की, फेथ को लेकर बात करी। तो मैंने कहा ये आदमी जो पहली मुलाकात में विश्वास की बात कर रहा है, इसके ऊपर मैं विश्वास करके अपनी साइड कह सकता हूँ। और फाइनली इन्होंने फिल्म बहुत ज़बरदस्त बनाई है। आपको यो हनी सिंह कौन है शायद पता हो, लेकिन हृदेश सिंह कौन है ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म से पता चलेगा। क्या ये हमने क्योंकि सीधे परफॉर्मेंस देखी है, ठीक है, हमने कुछ वीडियो तो देखा नहीं है। मोजेस भाई आपको थोड़ा सा रोशनी डालनी पड़ेगी कि नाम क्या है डॉक्यूमेंट्री का, अगर थोड़ा सा रिवील कर दें आप तो फायदा हो जाएगा सबको आर्टिकल लिखने में भी। मैं डॉक्यूमेंट्री का नाम रिवील करने से पहले 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। आई थिंक दिस इज अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड बी फिल्ड विद अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीबडी हु मेड दिस इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस हैपन, स्टार्टिंग विद नेटफ्लिक्स and of course my incredible producers Sikhya, Guneet, Achin Ronak, my incredible editor Deepak Bhatia, who I could not have done this film without, and of course the man himself Yo-Yo Honey Singh. I think one of the reasons why this film has been so special is because he gave me the most beautiful gift anyone could give a filmmaker, which was his trust. And I had his trust and he gave me an unfiltered view into his life, and I saw the rock star Honey, the family man Honey, the amazing son Honey, the amazing brother Honey, the party boy Honey, the broken Honey, but ultimately what I saw at the end was always the champion Honey. And I think there are some people who are just born for fame. Whatever happens in their lives, ups, downs, highs and lows, ultimately whatever may happen, they will always be touched by fame. And with that note, I would like to reveal the name of this film. It is called Yo-Yo Honey Singh Famous. Because that's who he is. Guneet, aap se main puchna chahunga, Oscar aa gaya hai, to is baar Emmy Grammy ki taiyari hai kya? You know, to that, main bas ek cheez kahungi ki mehnat karna hamare haath mein, rehmat jiske haath mein, वो चार चांद लगा देता है हमारी मेहनत पर, आज तक लगाते आए हैं, तो हमने पूरी नियत और शिद्दत से काम किया है, अब बाकी चढ़ती कला थे। चढ़ती कलाएं साहब, बहुत बहुत मुबारक आपको। कम ऑन सेंटर स्टेज फॉर फोटोज।